दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे अंडरग्राउंड कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जिसमें 8,000 शवों को ममी बनाकर जिंदा रखा गया है। ये कब्रिस्तान कैपुचिन कैटाकॉम्ब के नाम से जाना जाता है, जो कि इटली के सिसिली शहर में स्थित है। कैटाकॉम्ब को हिंदी में अंडरग्राउंड कब्रिस्तान कहते हैं, जो कि प्राचीन रोम में बहुतियात से पाए जाते हैं। लेकिन कैपुचिन कैटाकॉम्ब बाकी कब्रिस्तानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर शवों को दफनाने की बजाय उनकी ममी बनाकर रखा जाता है। ये कब्रिस्तान अंदर से बिल्कुल एक म्यूजियम की तरह दिखता है। यहाँ शवों को रखने के लिए अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जैसे कि महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, कुंवारी लड़कियों का, संतों का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का और सैनिकों का। कैपुचिन कैटाकॉम्ब में सबसे पहली ममी साल 1599 में बनाई गई थी, जो कि ब्रदर सिल्वेस्ट्रो की थी। 1880 में इस कब्रिस्तान को ऑफिशियली बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ शव इसमें आ जाया करते थे। शुरुआत में कैपुचिन कैटाकॉम्ब की स्थापना केवल कैथोलिक संतों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी, लेकिन बाद में इस कब्रिस्तान में जगह पाना सामाजिक रुतबे की बात मानी जाने लगी और इसमें संतों के अलावा दूसरे शव भी आने लगे। इस कब्रिस्तान में शवों को रखने के लिए नियमित रूप से फीस चुकानी पड़ती थी, जिससे कि कब्रिस्तान की देखरेख की जाती थी। अगर किसी ममी की फीस आनी बंद हो जाती थी तो उस ममी को वहां से हटा दिया जाता था। साल 1920 में इस कब्रिस्तान में आखिरी ममी बनाई गई, जो कि रोजालिया लम्बार्डो नामक बच्ची की थी। ये ममी इस कब्रिस्तान में रखी गई सबसे खूबसूरत ममी है, क्योंकि इस ममी को देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई ममी है, बल्कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई प्यारी सी बच्ची सो रही है। इसलिए इस मम्मी को स्लीपिंग ब्यूटी का नाम दिया गया है। ये आज तक एक रहस्य है कि इस मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए कौन से रसायन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये मम्मी आज भी सुरक्षित है। अब कैपुचिन कैटाकॉम्ब को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है और ये इटली का एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। ये कब्रिस्तान अंदर से जितना डरावना है, उतना ही डरावना इस तक पहुंचने का रास्ता है, जो कि कई अंधेरी गलियों से होकर गुजरता है, जिनकी दीवारों पर ममीज लटकी होती हैं। इसलिए अगर आप यहां जाने की सोचें तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि यहां पर कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।